जन सरोकार मंच टोंक के इस लाइव साहित्यिक कार्यक्रम में सभी का मैं अभिवादन कर रहा हूँ। यह समय कोरोना काल में जहाँ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी की चपेट में है जहाँ से हर व्यक्ति व्याकुल है, मैं साधुवाद दूंगा कि ऐसे विपरीत समय में फेसबुक के माध्यम से जन सरोकार मंच और विशेष रूप से आदरणीय भाई देवेंद्र जी जोशी ने विभिन्न साहित्यकारों को जोड़कर इस मंच से जो मंच दिया है वह निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। साहित्य और समाज दोनों का गहरा नाता है। मित्रों, मैं एक ऐसी जगह से आपसे बात कर रहा हूं, उस जगह का नाम है सुजानगढ़, और इस छोटे से कस्बे का नाम पूरी दुनिया में साहित्य और संगीत की बदौलत है। साहित्य में महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया का नाम, जिन्होंने धरती धुरारी और पाथल पिथल जैसी रचनाओं को देकर इस पूरी दुनिया में इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। कन्हैयालाल जी सेठिया ने धरती धुरारी रचना लिखी और उस रचना को बाल कवि बैरागी जी ने कहा कि यदि राजस्थान कोई देश होता तो धरती धुरारी गीत उसका राष्ट्रगीत होता। महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया ने राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा दोनों के लिए समान रूप से कार्य किए। हमें खुशी है कि ये वर्ष उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है। बीच में कोरोना के कारण कुछ व्यवधान आया, हम कुछ गतिविधियां नहीं कर पाए, और अभी 101वां वर्ष उनका चल रहा है और हम बहुत सी गतिविधियां उनके नाम से इस जगह में करके उनकी ऊर्जा को हम यहाँ संग्रहित करने का प्रयास करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें मिले और ऐसे ही हम साहित्य के क्षेत्र में जुड़े। सुजानगढ़ संगीत के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में विख्यात रहा, पूरी दुनिया में अपनी आवाज का परचम में लहराने वाली आदरणीय लता मंगेशकर जी के गीत आएगा आने वाला महल फिल्म के उस गीत जिन्होंने शुरुआत की थी अपने कैरियर की, उनके संगीतकार और उस फिल्म में उनको ब्रेक देने वाले आदरणीय खेमचंद प्रकाश जी इसी धरा के जन्मे हैं, और आज भी चाहे जमाल सेन जी, शंभू सेन जी, दिलीप सेन जी, समीर सेन, ललित सेन, बहुत नाम है इस क्षेत्र से कि जो पूरे प्रदेश में संगीत की विरासत को संजोए रखे हैं। तो मैं आज उन सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए इस मंच से आप सबके साथ वार्ता करना चाहूंगा। मित्रों, जिसका जितना धैर्य प्रबल है उसकी उतनी बड़ी सृष्टि है, जिसका जितना बड़ा स्वप्न है उसकी उतनी ही बड़ी दृष्टि है। साहित्यकार अपनी दृष्टि से इस पूरे संसार को देखता है और एक नई सृष्टि को रचने का प्रयास करता है। मैं लगातार इस मंच के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम सुनता आया हूं, बहुत सारे युवा कवियों को, बहुत सारे वरिष्ठ कवियों को मैंने सुना, बहुत सारे लेखकों को मैंने इसमें सुना, और ये निष्कर्ष निकल के मेरे सामने आया कि आज की नई पीढ़ी और आज के समय में भी जब कोरोना ने पूरी दुनिया के पांव रोक दिए हैं, साहित्यकार रुका नहीं है, वह आज भी समाज का पाथे प्रशस्त कर रहा है, समाज के साथ वो खड़ा है। समय की अपनी सीमाएं हैं और समय दौड़ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं सीधा ही काव्य पाठ पे आऊं। मैं आपको कुछ रचनाएं हिंदी में सुनाऊंगा और कुछ रचनाएं आपको राजस्थानी भाषा में सुनाऊंगा जो मेरी मातृभाषा है।
मैं चाह रहा था कि मैं अपना पूरा काव्य पाठ राजस्थानी भाषा में करूं, क्योंकि इस मंच से पूरे देश के लोग जुड़े हैं, तो मैंने अपनी बात हिंदी में रखी। लेकिन आपकी कुछ रचनाएं जो मुझे बेहद पसंद है राजस्थानी में, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम और हमारे बुजुर्गों ने जो हमें समाज को जो दिया, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो परंपरा इस समाज में जीवित रहे, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः भाई देवेंद्र जी जोशी का और जन सरोकार मंच टोंक का आभार व्यक्त करते हुए अपनी एक रचना समर्पित करने जा रहा हूं। इस रचना का शीर्षक है वो कवि था। समाज में कवि की क्या भूमिका है, वो कवि था, वो कवि था मर गया अच्छा हुआ, वो कवि था मर गया अच्छा हुआ, वरना सोई हुई दुनिया को जगाता। वो कवि था मर गया अच्छा हुआ, वरना सोई हुई दुनिया को जगाता। निष्प्राण संवेदनाओं में कविता संजीवनी से सींचता प्राण, और फिर करता प्राणवान समाज का नवनिर्माण। रूखे शब्दों को कविता की चाशनी में भिगोता, डुबोता और अभिव्यक्ति के आनंद का मीठा स्वाद चखाता। वह कवि था मर गया अच्छा हुआ, वरना सोई हुई दुनिया को जगाता। वो कवि था मर गया अच्छा हुआ, वरना शीतलता से शिथिल दिल के शोलों में दफन चिंगारियों को काव्य की हवा से फिर सुलगाता, और व्यथित विचारों की सूखी गंगा में उफनती लहरों का उबाल लाता। लाचार लच्चर बहरे गूंगे समाज को खरी खोटी सुनाता, और पत्थर के पहाड़ों में अग्नि का उद्घोष कर ज्वालामुखी पनपाता। वो कवि था मर गया अच्छा हुआ, वरना सोई हुई दुनिया को जगाता। वो कवि था मर गया अच्छा हुआ, वरना विकल वीरान बेकार बंजर, वरना विकल वीरान बेकार बंजर, जमाने की जमीन पर चलाता भावना का हल, और शब्दों की गर्माहट से बरसाता बदलाव का बादल, कसमसाती शोषण की रेत में क्रांति का बीज बोता, और उत्साह व उमंग के संरक्षण में चेतना की फसल उगाता। वह कवि था मर गया अच्छा हुआ, वरना सोई हुई दुनिया को जगाता। कवि का काम इस समाज की चेतना को जगाना है, और आज के इस समय में कवि वही अपना धर्म निभा रहे हैं। वो कवि था मर गया अच्छा हुआ, वरना अंधविश्वास की धुंध हटा भटकते राहगीरों को, वरना भटकते राहगीर को मंजिल का मार्ग दिखाता। वो कवि था अच्छा हुआ मर गया, वरना सोई हुई दुनिया को जगाता। भ्रमित भयभीत मानवता को भय मुक्ति के लिए संघर्ष करना सिखाता, तोड़कर सभी वर्जनाएं कल्पना के मुक्ताकाश में उन्मुक्त उड़ता, और पर्दाफाश करने अंधेरे के षड्यंत्र का फिर मुझे दीपक को जलाता। वो कवि था मर गया अच्छा हुआ, वरना बुत बने आदमी को हिलाता डुलाता हंसाता रुलाता, और हुकूमत को जकझोड़ कर कविता की ताकत से आदमी के हलाल हक को दिलवाता। गद्दारी की भीड़ में ढूंढ कर सशक्ति खुददारी को गले लगाता, और खुदगर्ज इंसानों से गुमनाम इंसानियत का परिचय करवाता। वो कवि था मर गया अच्छा हुआ, वरना कांच की तरह
वरना कांच की तरह चटकते, चमकते, चहकते नाजुक संबंधों को बचाता और एहसास की आंगन में रिश्तों की रंगोली सजाता, सहमे सहमे से बेदम दिल को जिंदा दिल बनाता और प्रेम का प्रसार कर लुप्त होते भाईचारे को बढ़ाता। वो कवि था, मर गया, अच्छा हुआ, वरना भूल कर निज पीड़ा को परहित और हरने जगत की व्यथा शब्द औषध परोसता, की व्यथा शब्द औषध परोसता, खुद पीकर कष्ट का गरल समाज को सहलाता और तोड़कर कांटों का भ्रम कुसुम सा मुस्कुराता। वो कवि था, मर गया, अच्छा हुआ, वरना झांक कर अतीत के झरोखों में वरना झांक कर अतीत के झरोखों में इतिहास का अस्तित्व बताता और अतीत में हुई हमारी भूलों को नहीं दोहराने का संकल्प दिलाकर फिर से ठोकर खाने से हमको बचाता। अपने मनोरम भावों से मन के आंगन में खुशहाली लाता, शब्दों के रंग बिरंगे रंग बिखेर कर भावनाओं की रंगोली सजाता। वो कवि था, मर गया, अच्छा हुआ, वरना कष्ट के नुकीले कांटों में सुख का कुसुम खिलाता और शब्दों की खुशबू से अंतर मन का उपवन महकाता। अक्षर का भ्रमर बनकर मानवीयता के बगीचे पर मंडराता और भाईचारे के पराग प्रकीर्ण से राष्ट्रीयता की नस्ल पनपाता। वो कवि था, मर गया, अच्छा हुआ, वरना शब्द की कटार से अशुचता के माथे पर चोट करता, तोड़कर विचारों के अवरोधन सभी शुचिता के घावों को भरता, किसी आहत आर्त की आहों को विश्राम देने, पकड़कर अपने निज हाथ में अक्षरों की आराध्य हसी को कुशासन से वो लड़ता। हिंदी की कविता है, काफी लंबी कविता है और मैंने प्रयास किया कि एक कवि की भावनाओं को लेकर, एक कवि के अंतर्मन के संवादों को लेकर, उसके कार्य प्रणाली को लेकर बहुत कुछ लिखा जाए और मैं निरंतर इस कविता को लिख रहा हूँ जब भी मुझे अवसर मिलता है, और विशेषकर ऐसे मंचों पर जहाँ सुनने वाले भी कवि हों और कहने वाला भी कोई कवि हो, तो इस कविता को विशेष रूप से मैं कहता हूँ ताकि सभी कवि मित्रों के साथ एक संवाद स्थापित हो सके। हमारी बहुत अच्छी परंपरा रही है राजस्थान में और मैं कहूँ पूरे भारत में कि कवियों का यहाँ बहुत बड़ा सम्मान रहा। मैंने 2012 में एक पुस्तक मेरी आई थी, जीवन रचित राम। मैंने कन्हैयालाल जी की सेठिया की प्रेरणा से, मेरे वो साहित्यिक गुरु हैं उनकी प्रेरणा से मैंने कुछ लिखना सीखा और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। तो उनका एक आदेश था कि मैं किसी एक विषय को लेकर, किसी बात को लेकर उसके अलग अलग आयामों को लिखता रहूं। मैंने प्रयास किए और मेरी जीवन को लेकर मैंने कुछ लिखा और जीवन रचित राम एक पुस्तक मेरी छपी। उस पुस्तक की बहुत सारी कविताएं, जीवन को हम किस रूप में देखते हैं, मैंने ताले में, माचिस की डिब्बी में, किसी खिजड़ी के पेड़ में, किसी फूल में, किसी रेत में, किसी उठते बवंडर में, हर जगह जीवन को तलाशने की कोशिश की और मैंने वो कविताएं लिखी। राजस्थानी में उस पूरी कविताओं का सार मैंने, कविता उसमें थी हिंडो, इसे हम झूला कहते हैं हमारे राजस्थानी में, झूला कहते हैं हिंडो, उस कविता के का मैं वाचन कर रहा हूँ, आप सभी की ओर समर्पित करता हूँ। जीवन क्या है, आप अपने दिमाग में हिंडो यानी उस झूले को, जो एक पेंडुलम होता है आता है, उसको आप अपने ध्यान में रखना और उस मेरी कविता को आप सुनना। कविता का शीर्षक है हिंडो। जीवन जिया हिंडो, जीवन जिया हिंडो, हिंडावे सुख और दुख बिचाले, हिंडावे सुख और दुख बिचाले, ज्ञान और अज्ञान बिचाले, पीड़ और धीर बिचाले, जीवन रो हिंडो। हिंडावे काचे और पाके बिचाले, अमले और कमले बिचाले, अड़ुजाड़ और
और सुड़झाड़ बिचाड़े जीवन रो हिंडो, हिंडावे काचे और पाके बिचाड़े, अमले और कंवले बिचाड़े, अड़झाड़ और सुड़झाड़ बिचाड़े जीवन रो हिंडो, हिंडावे मन और बुद्धि बिचाड़े, हिंडावे मन और बुद्धि बिचाड़े, धर्म और कर्म बिचाड़े, धर्म और कर्म बिचाड़े, दिन और रात बिचाड़े जीवन रो हिंडो, हिंडावे चेतना, हिंडावे चेतन और अचेतन बिचाड़े, मोह और मुक्ति बिचाड़े, काम और राम बिचाड़े जीवन रो हिंडो, हिंडावे हिंडावे चेतन और अचेतन बिचाड़े, मोह और मुक्ति बिचाड़े, काम और राम बिचाड़े जीवन रो हिंडो, हिंडावे भूख और रोटी बिचाड़े, हिंडावे भूख और रोटी बिचाड़े, भरम और भाव बिचाड़े, भक्ति और शक्ति बिचाड़े जीवन रो हिंडो, हिंडावे भूख और रोटी बिचाड़े, भाव और भरम बिचाड़े, भक्ति और शक्ति बिचाड़े जीवन रो हिंडो, हिंडावे हिंडावे लोक और परलोक बिचाड़े, हिंडावे लोक और परलोक बिचाड़े, आत्मा और परमात्मा बिचाड़े, जलम और मौत बिचाड़े जीवन रो हिंडो, जीवन का जो झूला है वो हमें इस रूप में एक दूसरे के साथ हमें झुलाता है, सुख और दुख और काम और राम और धर्म और कर्म के बीच में हम झूलते जा रहे हैं। मैं मेरा भाव है कि मैं आपको जो रचनाएं हैं मेरे पास हिंदी की भी हैं राजस्थानी की भी हैं, लेकिन क्योंकि मातृभाषा में सीठिया जी की धरती से हूं तो मातृभाषा में कुछ रचनाएं आपको सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मित्रों, मैंने बहुत वर्ष पहले एक जापानी काव्य विधा है हाइकू, उसको लेकर नए प्रयोग किए, जिस प्रकार आज जन सरोकार मंच टोंक इस कोरोना काल में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैंने जब फेसबुक शुरू ही हुई थी और जब मैं फेसबुक का से जुड़ा तो मैंने नित्य आज के हाइकू इस शीर्षक से एक हाइकू कविता रोज लिखनी शुरू की और मैंने कई वर्षों तक वो कविताएं लिखी। इससे हाइकू कविता को लेकर एक अच्छा माहौल पैदा हुआ और जिस जमाने में मुझे लोग कहते थे कि हाइकू जापानी विधा है, आप इसे क्यों लेके आ रहे हो, कई लोगों के विचार होते हैं कि ये हमारे हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं उन पर आप लिख सकते हो, क्यों विदेशी विधाओं को हम लेके यहाँ आए करें, बहुत सारी बातें सुनने को मिली। मैंने कहा नहीं, साहित्य किसी भी देश और किसी भी धर्म का साहित्य सभी के लिए होता है। जापान की कविता हाइकू 17 अक्षरों की कविता है, बहुत सुंदर कविता है और मैंने उस पर हिंदी और राजस्थानी दोनों में प्रयोग किए और जब मेरी पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो मैंने ये पुस्तक उनको समर्पित की, मेरे माता पिता को, और ये मैंने पोथी माँ बाप के नाम से वो निकाली। कुछ राजस्थानी की हाइकू मैं आपके सामने आया कि हाइकू मंच की कविताएं नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हाइकू को भी हम ऐसी मंच की कविताएं लेके आए। मेरी पुस्तक थी माँ बाप, जिसमें मैंने माँ और बाप पर 251 हाइकू राजस्थानी में लिखे, काफी चर्चा में रही पुस्तक। आप तीन पंक्तियां होती है हाइकू में, आप सभी सुधी व्यक्ति हैं, सुनाने की जरूरत नहीं है। 17 अक्षर की कविताएं होती है, तीन पंक्तियां होती है, पहली पंक्ति में 5, 7 और 5 से ये 17 अक्षर की कविता होती है। करा मजा में जीवे है हाल बाप, करा मजा में जीवे है हाल बाप, क्या को फिकर। चित्तरछियां मायड़ बापरी दिरावे माया, चित्तरछियां माँ बापरी दिरावे माया, और बणज्या अदे आ दुनियारी रीत ठाड़ो डोकरो, बणज्या अदे आ दुनियारी रीत ठाड़ो डोकरो, बाप और जीसा भगवान का नाम लियो क्या ही। बहुत सारी ऐसी इसमें मेरे हाइकू थे और उनमें टाबर प्रजा, टाबर
प्रजा, पाले यानी माँ बाप, प्रजा पालक, और बहुत सारे आयको के मित्रों का इसमें आग्रह भी है कि मैं वो आयको सुनाऊं कि नी खाया जको माँ बाप रा गदीड़ खावे बचीड़, नी खाया जको माँ बाप रा गदीड़ खावे बचीड़। कुछ कुछ क्षणिकाओं को मैंने कई प्रयोग किए, राजस्थानी में मैं कुछ क्षणिकाएं आपके सामने दे रहा हूं कि आग आग जंगल ने जगायो, आग जंगल ने जगायो और पानी बुझायो। जो मित्र राजस्थानी कम समझते होंगे, मैं कुछ समझाना चाहूंगा कि आग ने जंगल को जलाया और पानी ने उसको बुझाया। आग जंगल ने जगायो और पानी बुझायो, धुआं धूड़ होयो जंगल, मुड़क तो बोलियो देखो कित्ता चोखा करे दोनों आपरा कर्म, देखो कित्ता चोखा करे दोनों आपरा कर्म, आग आपरो और पानी आपरो निभावे धर्म, आग आपरो और पानी आपरो निभावे धर्म। अच्छे व्यक्ति अच्छे काम करना नहीं छोड़ेंगे और बुरे व्यक्ति बुरे काम करना नहीं छोड़ेंगे। बेतोड़ देश रे माए, बेतोड़ देश रे माए सगली पाठशालावां, बड़ा नाखी उनाली जगिया नुवी गौशाला। बेतोड़ देश रे माए सगली पाठशालावां, बड़ा नाखी उनाली जगिया नुवी गौशाला। अबे शिक्षा रे नाम माथे, अबे शिक्षा रे नाम माथे कोरा नाव कोरो गोबर कराहा, ज्ञान रे नाव कोरो गोबर कराहा। एक चिड़कली कागला रो करना क्यों शिकार, चिड़िया ने एक कौवे का शिकार किया। एक चिड़कली कागला रो करना क्यों शिकार, कागला बुलाई पंचायत करियो विचार, कागला बुलाई पंचायत करियो विचार, कागला ने मार नाखे, कागला ने मार नाखे चिड़कली कने ईशो काई है यंत्र, कागला ने मार नाखे ईशो चिड़कली कने काई है यंत्र। कागला रो सिरदार बोलियो मने लागे है जंगल रे माए आ गयो है अब लोकतंत्र, जंगल रे माए आ गयो है अब लोकतंत्र। आदरणीय आंसू आंखसू ढड़कता आंसू, आंखसू ढड़कता आंसू और होटा माथे चहकती मुड़क ने देखकर चेरो बोलियो, थे दोन्यू जद बनावटी पण जोवो हो साची पूछो तो थारी साचकली पहचान खोवो हो, साची पूछो उतनी साचकली पहचान खोवो हो। इन तैयारी कई कविताओं आपने सामने में रखना चाहूँ और कुछ क्षणिकाओं राजस्थानी री है। राजस्थानी रामायण नया नया प्रयोग लोग करे है और भी प्रयोग मायने भी मैं देखूँ कि लंबी कविताओं और काम को नहीं हो। जब मैं कन्हैयालाल जी सेठिया साहब से मिलो जो मन क्यों कि गीत बहुत लोग लिख चुके हैं और ई विधा में भी लोग अब भी लिख रहा है, लेकिन आज रो जमानो जो SMS रो आ गयो, लोगों ने पढ़ना रो टाइम को नहीं, तो छोटी छोटी कविताओं छोटी छोटी बात कम शब्द आ रहे मायने आप गंभीर रूप से लोगों तक पहुंचा सका तो बा एक महत्वपूर्ण बात रहती। तो कुछ राजस्थानी कविताओं ये बहुत छोटी छोटी कविताओं हैं और मैं चाहूंगी कि मायने पूरी बात आप में कह सकूं, आपने नजर करूं, आप सबका स्वागत है। शीर्षक है नाम। कुटलाई मन बसे, कुटलाई मन बसे और लेवे नित हरि नाम, कुटलाई मन बसे और लेवे नित हरि नाम, एक टांग तपसी बुगलो जिया खड़ियो सर्वरी पाल, एक टांग तपसी बुगलो जहाँ खड़े हो सर्वरी पार। कविता का शीर्षक है दातार। बिनिया मांग्या सगड़ा ने डोल सारू बांटे जको बक्सीस, बिनिया मांग्या सगड़ा ने डोल सारू बांटे जको बक्सीस, इस्या दातार सू फेरू रोज मांगणो हरावणी अपनी जीप। इसको सब पता है पूरी दुनिया के बनाने वाले को उससे क्या मांगना। रात रे लारे दिन भाजे, दिन रे लारे भाजे रात, रात रे लारे
दिन भाजे और दिन रे लारे भाजे रात, भगत पाण कुदरत करे आ सगली करामात, भगत पाण कुदरत करे आ सगली करामात। चंदो चांद तीज त्योहार माथे आभे उपरा उनरो एक मुंडो देख्या पछे पाछी लुगाया उनरे कानी कोनी जोवे। तीज त्योहार माथे आभे उपरा उनरो एकर मुंडो देख पछे पाछी लुगाया उनरे कानी कोनी जोवे। सुहागण्या री आ चाणपत देखर चंदो बादलिया री ओटा लुक्योड़ो सगली रात रोवे। कुवारे माए फुदकतो मींड को जाने गुलामी रो दर्द, कुवारे माए फुदकतो मींड को जाने गुलामी रो दर्द, और समदरिया माए तिरता मींड का ईज लेवे है आजादी रो आनंद। इन रूप रे मायने आपने सामी बहुत सारी कविता मैं राखी हूं, और एक कविता जो कि मैं आपने सुनाऊ विशेष रूप से मैं कई मंचा माथे एक रचना पाठ हो गए काई भरोसो। उनसे पहले एक बिल्कुल नई चीज आपरे सागे में शेयर करना चाहूं। राजस्थानी समझ में आ रही है तो मैं एकदम नई चीज आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने कई दिनों से और मैं ये कहूं कि कई समय से मैं ये देख रहा था कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र सिखावटी के पास का क्षेत्र है और मारवाड़ का त्री क्षेत्र है जहां मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारी हवेलियां हैं, ऐसी प्राचीन हवेलियां। इन हवेलियों को बनाने वालों ने बहुत मेहनत करके अपने खून पसीने को संचित पूंजी से उनका निर्माण कराया, कारीगरों ने बहुत सुंदर ढंग से उन हवेलियों को बनाया, उन हवेलियों में काफी लोग रहे भी, लेकिन पिछले कुछ 30-40 वर्षों से वो हवेलियां बंद पड़ी है। उन हवेलियों के आगे कचरा पड़ा है, हवेलियां जर्जर हो रही है, टूट रही है। मैंने लगभग 50-60 हवेलियों में गया, मैंने देखा और उन हवेलियों के दर्द को लिखने का मैंने प्रयास किया। कुछ रचनाएं एकदम ताजा है और मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की, मैं चाहता हूँ मैं जन सरोकार मंच के माध्यम से मेरी वो भावनाएं आप तक पहुंचाऊं। कविताएं कैसी हैं, आपके सुझाव भी मुझे चाहिएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि पूरी 100-150 कविताएं, बहुत छोटी छोटी कविताएं होती है, उन हवेलियों का दर्द लिखूं जिन हवेलियों ने बहुत कुछ देखा है, समझा है, और जो हवेलियां हमारे यहाँ की परंपराएं रही हैं। 4-5 रचनाओं के बाद में एक अंतिम रचना आपके सामने पेश करूंगा, आप सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद अपेक्षित है। हवेली। मेरा ये शहर जिसकी कुछ इमारतें इस पीढ़ी की नजरों में खंडर से बढ़कर कुछ नहीं, दरअसल ये सभी हवेलियां हैं प्राचीन, जिसके कारण दूर दिशावर में पहचान बनी थी हमारी, मगर हम अपनी ही पहचान खो निज अस्तित्व गए भूल, इसलिए अब यहां किसे पता जहां हम रहते हैं उसे ही तो पूरी दुनिया में हवेलियों का शहर कहते हैं। हवेली, वह हवेली मेरे देखते ही देखते व्यतीत हो गई, वह हवेली मेरे देखते ही देखते व्यतीत हो गई, सचमुच कल की ही तो बात है आज जो अतीत हो गई। दिन भर चुपचाप हवेली की बंद पोड़ में, दिन भर चुपचाप हवेली की बंद पोड़ में लटकती चमचेड़े बता रही हैं कि इस हवेली में नहीं सुनी उन्होंने किसी आदमी की पदचाप, क्योंकि उनको डेरा जमाए बीत गए हैं बरसों, यहां लटके हुए उनकी यह तीसरी पीढ़ी है, उनको यहां लटके हुए यह तीसरी पीढ़ी है। नहीं रहती कभी कोई हवेली वीरान, वह तो हमेशा किसी ना किसी का बसेरा रही है, बस अंतर इतना ही हुआ है इस बदलते दौर में, जो हवेली पहले सेठों सेठानियों
ताबड़ टींगरों और हाड़ियों से भरी भरी रहती थी, उसे अब कबूतरों ने अपना बसेरा बनाकर आबाद कर रखा है। इस हवेली की नांगल पर, नांगल यानी हवेली का शुभारंभ उद्घाटन जिस दिन हुआ था, गृह प्रवेश हम कह सकते हैं, इस हवेली के न्यांगल पर मैंने कुछ कविताओं में कुछ दृश्य शब्द हमने निकाले हैं। अगर मैं इस कविता में न्यांगल की जगह ये लिख दूंगी उस हवेली के गृह प्रवेश पर, तो उस कविता का मजा नहीं आएगा। फुटनोट में ये सारी बातें विस्तार से लिखूंगा। इस हवेली के न्यांगल पर इसके सेठ जी से भी ज्यादा वो कारीगर खुश था जिसने पत्थरों के झरोखों की नक्काशी करते समय अपने हाथ को छेनी हथौड़ों से कई बार चिगदा होगा। हवेलियों के इन रक्तवर्णी पत्थरों ने हवेली के इन रक्तवर्णी पत्थरों ने पसीना और खून दोनों साथ साथ पिया है। हवेलियां अपनी कथाएं कहती कहती हमें दिखाई देती है। मैं किसी हवेली को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ संवाद करना चाह रही है। जैसे आंधी तूफान मेह सर्दी और गर्मी का उस पर नहीं पड़ता है कोई असर, सूनी हवेली सूनी हो गई है। और देखिए वह उस हवेली में अब कोई नहीं रहता, उस हवेली में अब कोई नहीं रहता, मगर जब भी कोई उसके अंदर जाता है चिपक जाती है मिट्टी उसके कपड़ों पर अपने आप मनोहार करने का रिवाज उन हवेलियों ने अभी तक नहीं छोड़ा। और हमारे यहाँ जब भी कोई हवेली खुलती है तो बहुत सारे लोग आते हैं और उनके अंदर जो भी सामान होता है वो सारे कबाड़ बेच कर चले जाते हैं। तो मैंने वो भी एक चीज इसमें शामिल करने की कोशिश की है कि वो हवेली जब भी खुली उसके भीतर कबाड़ियों की भीड़ लगी रहती। इस बार बरसों से इसे संभालने कोई नहीं आया, शायद अब बेचने को कुछ नहीं बचा है शेष, बस अब तो यह एंटिक हवेली ही है विशेष, अब तो यह एंटिक हवेली ही है विशेष। कब दिन उगता है और ढल जाता, बंद हवेली को नहीं होता महसूस, उसकी तो आंखें अपलक पाट जो होती है 2400 घंटे उस आदमी का जो उसके ऊपर जड़ा यह ताला खोल दे, इस हवेली के दो दरवाजे हैं, एक आगे दूसरा पीछे। आगे वाला दरवाजा बड़ा है क्योंकि इसमें से बड़े लोग आते जाते थे। इस बंद हवेली ये आगे वाले दरवाजे पर बड़ा ताला है और पीछे वाले दरवाजे पर पीछे की ओर लटकता हुआ एक ताला छोटा है। ताला हमसे ये कह रहा है कि आदमियों की तरह हम तालों में छोटे बड़ों का कोई फर्क नहीं होता। नई हवेली पर खाती ने जब चढ़ाए थे किवाड़ तब बंटा था मोहल्ले में घरों में 100 शेर गुड़ पूरा। आज इस बंद हवेली की पोड़ के आगे मियाई कुतिया को मोहल्ले के लोग डाल रहे हैं गुड़ का सीरा। सीरा हमारे यहाँ कहते हैं कि हलवे को कहते हैं, और जब भी हमारे यहाँ कोई गली में किसी स्वान का प्रसव होता है और उसके मोहल्ले वाले गुड़ के सीरे परोसते हैं। एक रचना और हवेली पर, फिर अंतिम कविता में आपके सामने वाचन करूंगा। 100 लोगों का पेट पालता था हवेली का एक चूल्हा, 100 लोगों का पेट पालता था हवेली का एक चूल्हा, अब 100 चूल्हों से एक हवेली नहीं संभल रही। कविता जिसे मैं हर बार कहता हूं, मुझे खुद को पसंद है। काई भरोसो, रास्तानी की रचना आपके सामने। काई भरोसो, रास्तानी में विशेषता है कि रास्तानी को अगर कोई आदमी समझना चाहे तो वह उसके शब्दों को समझ सकता है। राजस्थानी बहुत जल्दी संप्रेषित होने वाली भाषा है। मैं बहुत सरलता से आपके सामने अपनी रचना काई भरोसों का वाचन कर रहा हूं कि माटीरी भीतरो परदेसी मित्रो, झूठारी जीतरो और नुगरारी रीतरो काई भरोसो।
काई भरोसो नागंडरी रीसरो समधरी तीसरो तपटीरी नीतरो पातररी प्रीतरो काई भरोसो पाणीरी पाळरो काई भरोसो पाणीरी पाळरो पंखेरुरी खालरो मोतरी चालरो सर्वररी ढालरो काई भरोसो नेतारी बातरो सियाळारी रातरो ठगारी जातरो पतझड़री बरसातरो काई भरोसो लुगायारे मिजाजरो लुगायारे मिजाजरो मोटारारे भागरो अपनायतरे घावरो झांसारे व्यापाररो काई भरोसो सोनारे भावरो सट्टारे दावरो नट्टारे मानरो और सुमड़ारे दानरो काई भरोसो मिनखरे माथारो काई भरोसो मिनखरे माथारो चोर रे हातारो उधारी रे खातारो और सपना रे सांचारो काई भरोसो नजगवारे कामरो इच्छावारे धापरो भोड़ारे भावरो और लोभी रे इंसाफ रो काई भरोसो दारूरी मनवार रो टूट्योड़ी पतवार रो कढ़े गारी घरनार रो और खिंडियरे खिंडियोड़े परिवार रो काई भरोसो भोगीरी भक्ति रो आगीरी मस्ती रो जोगीरी बस्ती रो फौजीरी शक्ति रो काई भरोसो और काई भरोसो भटक्योड़ा बरतार रो चिमक्योड़ा सांड रो अणसेंदा असवार रो और कायर री कृपाण रो काई भरोसो भिजोड़ी कपास रो मधुमाख्यारे रेवास रो उतरादी भाल रो और फाट्योड़े तिरपाल रो काई भरोसो ताकता लंगूर रो बेरीरी रसूख रो जामन जाया कपूत रो और कुचमादीरी करतूत रो काई भरोसो धनी बिन्या खेतारो पिंदा बिन्या लोटारो धोरा बिन्या रेतारो और भाकर बिन्या बाटारो काई भरोसो नाथ बिन्या नारारो लगाम बिन्या घोड़ारो नीवा बिन्या महलारो और धीर बिन्या वीरारो काई भरोसो दिवाड़िये रे हंकारे रो रजवाड़े रे रंडापे रो अदबुजिये पटाखे रो ऊंटा रे पसवाड़े रो काई भरोसो और काई भरोसो बिजली रे तारा रो काई भरोसो बिजली रे तारा रो गाड़ी रे फटकारा रो फाफी रे पकवाना रो और मिलावट रे मसाला रो काई भरोसो और काई भरोसो दरक्योड़ा कांचा रो काई भरोसो दरक्योड़ा कांचा रो चुगलखोर री जांचा रो लोकतंत्र री टांटा रो और जीवन री सांसा रो काई भरोसो मैं जन सरोकार मंच टोंक ने इस सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया, आप सबसे मिलने का मौका मिला और कोरोना के इस काल में जब हम सब लोग घर बैठे हैं और घर बैठे बैठे भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, ऐसी शानदार सार्थक पहल जन सरोकार मंच टोंक ने की है। मैं भाई देवेंद्र जी जोशी उनकी पूरी टीम का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे आज यह अवसर दिया। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और ये भी कामना करता हूँ कि इस देश से कोरोना जल्दी से भागे और हम पुनः एक ऐसे मंच के माध्यम से आपस में मिलें और व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत कर सकें। एक सूचना भी देना चाहूंगा कि बहुत जल्दी कोरोना काल पर मैंने एक डायरी लिखी, लॉकडाउन डायरी, उसका प्रकाशन भी जल्दी ही हो रहा है। जब वो किताब छपेगी तो जन सरोकार मंच टोंक से जुड़े सभी मित्रों को मेरी इच्छा रहेगी कि उनके पास पहुंचे और मैं उनको देना चाहूंगा, ऐसी मेरी भावनाएं हैं। उन्हें आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, विशेष रूप से जन सरोकार मंच टोंक के प्रति भाई देवेंद्र जी के प्रति आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थान।